जय भीम नमो बुद्धाय प्रिय धम्मबंधुओं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 4। इसका नाम है असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को छालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वह सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे, इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन, द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। वह बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदर पूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते हैं, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उसके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुँह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मगन हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे वह इन दो गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित मुनि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। शुद्धोधन ने असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उसने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया,
मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं दुम्बर यानी गूलर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठतम सम्यक बोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा। इसलिए राजन, मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उस महान असित मुनि और उसके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से संतर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चला गया। प्रिय धम्मबंधुओं, इस पाठ में जैसा कि सामान्य जो पाठक हैं, सामान्य जो लोग हैं और हमारे जो बौद्ध बंधु हैं, वो थोड़ा सा संशय की समस्या से ग्रस्त होना उनका लाजमी है। वो संशय में पड़ सकते हैं क्योंकि बुद्ध के धम्म में ऐसी किसी बात का, जैसा कि इस पाठ में विवरण देखने को मिलता है कि असित मुनि ने दिव्य दृष्टि डाली और उन्होंने पता लगा लिया कि कहां पर बालक का जन्म हुआ है और देवता प्रसन्नता पूर्वक आनंदित होकर नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि संशय पैदा होता है। लेकिन प्रिय धम्मबंधुओं, मैं यही कह सकता हूँ कि हमें इन व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। इन सभी बातों का बुद्ध के धम्म से कोई संबंध नहीं है। यह सब कहानी सिद्धार्थ के बुद्ध बनने से पहले की कहानी है और इस कहानी में इन सभी बातों को हम अलंकार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम यदि जान सकें, यदि कोई विद्वान हमारे समक्ष आकर इन सब बातों को प्रमाणित कर दे कि ऐसा हुआ था, ऐसा इस संदर्भ में हुआ था जो कि बुद्ध के धम्म से संबंधित है। लेकिन हम जानते हैं, जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तो उस समय तक ब्राह्मणी धर्म भारत में व्याप्त था और उस ब्राह्मणी धर्म के जितने भी कर्मकांड थे उन सबको सिद्धार्थ का परिवार भी ऐसे ही वहन करता था जैसे कि समस्त भारत की प्रजा। और हमें व्यर्थ के संशय में नहीं पड़ना चाहिए। अभी बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों का शुरू होना बहुत दूर है। जब तक सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन जाते तब तक हमें इन बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमें इसे एक कहानी की तरह ही लेना चाहिए। हमें यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि असित मुनि राजा शुद्धोधन के पास आए होंगे और उन्होंने कोई दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि का तो मतलब यही है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे जीवन में तरंगों का बड़ा महत्व है और ये जो तरंगे हैं इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी इंद्रियां, जैसे कि हमारी इंद्रियां जितनी सक्षम होंगी उतने ही ज़्यादा कुशलतापूर्वक वह कार्य कर सकती हैं। हम अगर तुलना करके देखें तो कि जो सूंघने की जो क्षमता है वो हमारी क्षमता से कई गुना ज़्यादा होती है। यही क्षमता हर एक प्राकृतिक जीव के पास होती है। तो मैं उदाहरण स्वरूप ये बात प्रस्तुत कर रहा हूँ, या ये कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन बुद्ध के धम्म से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमें इस
कहानी को सिर्फ कहानी की तरह लें और इस कहानी में जो बातें हैं उसको हम अलंकार के रूप में प्रयोग करें। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। यदि कोई बात आपको इसमें जो समझ में ना आई हो या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो उसको कमेंट में जाकर आप अपना प्रश्न वहाँ रख सकते हैं, मैं उसे पढ़कर आपका अन्य किसी वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियोज़ को निरंतर देखते होंगे और लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रिय धम्मबंधु।